सर एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो भारत के मशहूर क्रिकेटर हैं वीरेंद्र सहवाग, जो बार बार भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी विचारधारा को बार बार प्रमोट करते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद एक मुस्लिम देश में जाकर एक मुस्लिम पोशाक पहनी हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन सी भारत की संस्कृति है जो इन्होंने ये मुस्लिम लुक इख्तियार किया, कुछ बताएं इस मामले में। जी, मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के अरबिक लुक पर एक तरह का घमासान मच गया है जी, और सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है जी। दरअसल जो सहवाग है उनकी जो एक तस्वीर है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने जो अरबिक पोशाक है वो पहन रखी है जी, जो खासकर दुबई के और दूसरी जो अरब कंट्री है वहाँ की जो शेख पहनते हैं जी, तो वही जो अंदाज है वो कपड़ा है उन्होंने पहन रखा है जी। क्योंकि जो वीरेंद्र सहवाग है यहाँ देश में तो वो बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, और लगातार उन्होंने इस तरह की चीज़ें पिछले कुछ सालों में की है, खासकर जो सत्ताधारी पार्टी का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो इंडिया और भारत की एक बहस छिड़ी थी कि देश का नाम क्या होना चाहिए, तो इसमें वीरेंद्र सहवाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा, कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए क्योंकि जो भारत है वो हमारी संस्कृति से मेल खाता है और जो इंडिया है वो तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जी। तो एक तरफ तो इनकी ये चीजें हैं और दूसरी तरफ अब ये यानी किसी दूसरे देश में गए हैं तो वहाँ इन्होंने जो अरबिक पोशाक पहन रखी है जी। दरअसल जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में IL T20 के फाइनल में कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए जी। यहाँ पर उनके साथ पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी थे जी। उन्होंने भी वही पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने जो लुक इख्तियार किया है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं जी। क्योंकि ये आपका साफ तौर से दोहरा रवैया दिखाता है कि आपको अगर भारत की जो संस्कृति है और जो सभ्यता है जो कल्चर है उससे इतना बड़ा प्रेम है और उस पर आप राजनीति करते हो, यानी जो लोग राजनीति करते हैं उनका आप साथ देते हो, तो आपने खुद यानी दूसरे देश का जो कल्चर है वो क्यों इख्तियार कर रखा है। बिल्कुल, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए सहवाग ने ऐसा किया है, और वीरेंद्र सहवाग दोगले हैं, उन्होंने जो यानी जुब्बा पहन रखा है। तो इस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सही है, क्योंकि आप जब दो चीज़ें आप एक साथ लेकर चलते हो जी, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक ही कश्ती में पैर रखना पड़ता है। बिल्कुल, आप दो कश्ती में सवार होगे तो आप यानी गिर जाओगे। बिल्कुल, तो अब इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन सहवाग पर जो बीजेपी IIT सहलो खामोश है, क्योंकि सहवाग लगातार जो भाजपा का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाते रहे हैं, जो एक राष्ट्रवाद की जो पिछले कुछ दिनों से जो एक विचारधारा चली है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए बीजेपी IIT सेल के जबानों पर ताले लग गए हैं। अगर यही काम कोई शाहरुख खान या विराट कोहली या कोई दूसरा कोई कर देता, वो मुस्लिम होता, तो पूरा जो बीजेपी IIT सेल है उसको ट्रोल करता। बिल्कुल, लेकिन अब बीजेपी IIT सेल पूरी तरह से खामोश है, लेकिन अब इससे ये भी इनको सबक लेना चाहिए कि हम राष्ट्रवाद का और देश प्रेम का और नेशनलिज्म का जो सर्टिफिकेट है मुसलमानों से भी ना मांगे, क्योंकि जो मुसलमान हैं उनका एक अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, वो जहाँ भी रहे वो उसको इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सहवाग पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये उनकी दोहरी मानसिकता है, उनका डबल स्टैंडर्ड है।